व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज राहुल, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। हमने अपने पिछले वीडियोस में बात की थी क्रॉप टूल की, रेड आई करेक्शन टूल की और स्पॉट रिमूवल टूल की। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि लाइट रूम में ग्रेजुएटेड फिल्टर का यूज़ कैसे कर सकते हैं। ग्रेजुएटेड फिल्टर भी क्रॉप टूल की तरह ही लोकल एरिया एडजस्टमेंट का पार्ट होता है और ये इमेज की किसी स्पेसिफिक एरिया पर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स टेक दिस इमेज फॉर द एग्जाम्पल। ये इमेज मैंने उत्तराखंड के कौसानी में क्लिक की थी कुछ साल पहले। सो लेट्स चेक द इन्फो ऑफ दिस इमेज। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये निकॉन डी 7100 से क्लिक की हुई है। शटर स्पीड 1/15 सेकेंड, अपर्चर f29, ISO 100 और फोकल लेंथ 34 mm। ये इमेज मैंने ट्राईपॉड की हेल्प से शूट किया। आप देख सकते हो शटर स्पीड इज क्वाइट स्लो, यानी कि 1/15 सेकेंड्स। मैं फिर से आई प्रेस कर देता हूँ टू रिमूव दिस इन्फॉर्मेशन। ओके, सो लेट्स कम टू द ग्रेजुएटेड फिल्टर। इसे सेलेक्ट करने के दो तरीके हैं। नंबर एक, या तो आप माउस से यहाँ पर क्लिक कर सकते हो या फिर आप एम प्रेस कर सकते हो। तो जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये नीचे एक पैनल ओपन हो जाता है। अगर आपको ध्यान हो तो दिस इज सिमिलर टू बेसिक एडजस्टमेंट पैनल। इसमें वाइट बैलेंस है, एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, शेडो, वाइट, ब्लैक्स, क्लैरिटी, डीहेस, सैचुरेशन, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे बेसिक एडजस्टमेंट पैनल में होती हैं। बट डिफरेंस इतना है कि बेसिक एडजस्टमेंट पैनल ग्लोबल एडजस्टमेंट करता है और ये लोकल एरिया एडजस्टमेंट के लिए यूज होते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है कि हम ये सारे फिल्टर्स एक साथ अप्लाई करें। हम किसी एक फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सपोजर यूज कर सकते हैं या हाईलाइट यूज कर सकते हैं, आप क्लैरिटी या सैचुरेशन यूज कर सकते हो और आप मल्टीपल फिल्टर्स का एक कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। अब हम जैसे इस इमेज में देख रहे हैं, हमारा स्काई ओवर ब्राइट है, राइट, और ये वाला एरिया ओवर डार्क है। तो हम इस स्काई को ठीक करने के लिए, सपोज मैं इसका एक्सपोजर डाउन करता हूँ अप टू 1 स्टॉप, ओके। तो अब ये जो प्लस साइन आप देख रहे हो या क्रॉस हेयर साइन आप देख रहे हो, मैं इसको जहाँ पर भी रख के ड्रैग करूँगा तो उसी एरिया में ये इफेक्ट अप्लाई होगा। लुक एट दिस। अब देखो, जैसे जैसे मैं माउस को ड्रैग करता हूँ, ये इफेक्ट ग्रेजुअली इंक्रीज होता है और मिड पॉइंट के बाद ग्रेजुअली डिक्रीज होता जा रहा है, राइट। देखो, मैं इस हैंड टूल को नीचे पुल कर रहा हूँ तो ग्रेजुअली चेंज होता है, और हैंड टूल को मिड लाइन के क्लोज लाता हूँ तो इफेक्ट काफ़ी अब्रप्ट हो जाता है, राइट। और अगर मैं माउस को सेंटर लाइन के लेफ्ट या राइट में करता हूँ तो देखो, माउस पॉइंटर मेरा रोटेट टूल में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ तो अभी मेरा इफेक्ट राइट टू लेफ्ट हो गया, या मैं इसको और रोटेट करता हूँ तो अभी इफेक्ट लेफ्ट टू राइट हो गया है। हम इसको चेंज कर सकते हैं बॉटम टू टॉप और इवन डायगनली फ्रॉम द कॉर्नर साइड। तो आपको जैसा चाहिए हो आप उस तरीके से इसको चेंज कर सकते हो। जैसा आप देख रहे हो, मेरा ग्रेजुएटेड फिल्टर ऑलरेडी प्लेस्ड है, मैंने एक्सपोजर सेटिंग भी अप्लाई कर दी थी। अगर मुझे सेटिंग को चेंज करना है तो सिंपली मैं ग्रेजुएटेड फिल्टर को सिलेक्ट करूँगा लाइक दिस, और मैं अपनी सेटिंग्स को चेंज कर सकता हूँ। लुक एट दिस। कॉन्ट्रास्ट कम ज़्यादा करना है, हाईलाइट डिक्रीज करनी है या इंक्रीज करनी है, और सैचुरेशन इंक्रीज करना है, क्लैरिटी इंक्रीज करनी है। सो आप देख सकते हो, ये केवल स्पेसिफिक एरिया जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, केवल उसी एरिया में ये अप्लाई हो रहा है। और देखो कितना आसानी से हम इस एरिया में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, अब एक बात और। तो अभी आपने देखा कि हमने ग्रेजुएटेड फिल्टर अप्लाई किया है यहाँ तक, राइट। अब सपोज कोई सिचुएशन होती है कि जिसमें आपको किसी स्पेसिफिक एरिया में आपको ये ग्रेजुएटेड फिल्टर अप्लाई नहीं करना है। सपोज इस पर्टिकुलर पोजीशन पे मुझे ये फिल्टर अप्लाई नहीं करना है, तो अब मैं क्या करूंगा? सिंपल है, यहां से ब्रश टूल सेलेक्ट करूंगा, राइट। मेरे इस ब्रश टूल ने सेम सेटिंग सेलेक्ट की है जो कि ग्रेजुएटेड फिल्टर की थी,
बट अगर मुझे यहाँ से ये पर्टिकुलर इफेक्ट हटाना है तो आई विल जस्ट सेलेक्ट इरेज राइट, और यहाँ पर सिंपली माउस ओवर कर दूंगा। आप देख रहे हो इस पर्टिकुलर एरिया में ये इफेक्ट हट गया, यहाँ से मास्क हो गया। ऑल्दो मैं केवल ये एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, इस इमेज में यहाँ से हटाने की ज़रूरत नहीं है, बट दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि आप अगर ऐसी सिचुएशन होती है आपकी किसी इमेज में तो आप उसको आसानी से कर सकते हो, ओके? और अगर सेम इफेक्ट मुझे इस एरिया में अप्लाई करना है तो मैं अभी इरेज को हटा देता हूँ, ओके? और सपोज सेम जो हमने ग्रेजुएटेड फिल्टर यहाँ पर अप्लाई किया है विद द सेम सेटिंग, हम माउस अगर यहाँ पर माउस ओवर करते हैं तो सेम इफेक्ट इस एरिया में अप्लाई हो जाता है। दिस इज दी विद द सेम सेटिंग्स जो कि इस एरिया में था, ओके? और अगर मुझे ये चेक करना है कि मेरा ये जो ग्रेजुएटेड फिल्टर है किस एरिया में अप्लाई हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने माउस को सेंटर पॉइंट पे सेलेक्ट करूँगा, तो आप देख सकते हो ये जितना भी रेड एरिया है इस सारे एरिया पर मेरा ग्रेजुएटेड फिल्टर अप्लाई हुआ है। और ये आप इस एरिया में अगर देख रहे हो तो यहाँ से ये मास्क हुआ हुआ है, तो यहाँ पर तो ये एरिया सेलेक्टेड नहीं है, ओके? और अगर इस ग्रेजुएटेड फिल्टर को डिलीट करना है, सिंपली क्लिक ऑन दिस सेंटर पॉइंट एंड जस्ट प्रेस डिलीट, इट्स गॉन, ओके? सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ग्रेजुएटेड फिल्टर टूल। तो अभी हम इस ग्रेजुएटेड फिल्टर टूल की हेल्प से अपनी इस इमेज को और ज़्यादा अपीलिंग बनाते हैं, ओके? सो लेट्स फर्स्ट कीप दिस एक्सपोजर एट -1 और मैं इस एरिया पर ग्रेजुएटेड फिल्टर अप्लाई कर देता हूँ, ओके? लेट्स कीप इट लिटिल डाउन यहाँ तक, और हाईलाइट डाउन करता हूँ, लेट्स कीप इट हेयर, एंड क्लैरिटी इंक्रीज करते हैं, लेट्स कीप इट हेयर। हमारी इमेज काफ़ी ज़्यादा हैजी है तो डीहेज करते हैं, लेट्स कीप इट हेयर। सैचुरेशन थोड़ा सा डाउन करते हैं इस एरिया का, राइट, शार्पनेस इंक्रीज करते हैं, लेट्स कीप इट हेयर, और थोड़ा वाइट बैलेंस ठीक करते हैं। स्काई ओवर ब्लू हो गया है तो लेट्स जस्ट ऐड दिस ऑरेंज स्टोन, ओके? लिटिल बिट ऑफ मैजेंटा, ओके? हमने स्काई वाला पार्ट तो अभी ठीक कर दिया है, बट हमें नीचे वाले एरिया की भी ब्राइटनेस बढ़ानी है, ओके? तो अब हम एक न्यू ग्रेजुएटेड टूल ले लेते हैं और इसका एक्सपोजर थोड़ा सा अप कर देते हैं, फॉर एन एग्जांपल अप टू 0.5, और अब हम इस एरिया को ऊपर की तरफ ड्रैग करते हैं, लेट्स कीप इट हियर, ओके? और मैं थोड़ा सा एक्सपोजर और अप करता हूँ, ओके? शेडोज लेट्स कीप इट हियर, ब्लैक लेट्स कीप इट हियर, क्लैरिटी थोड़ा बढ़ाते हैं, ओके? डीहेज कीप इट हियर, एंड लेट्स इंक्रीज द सैचुरेशन ऑफ दिस एरिया, कीप इट हियर, ओके? तो अभी हम इसका बिफोर एंड आफ्टर चेक करते हैं, दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। मैं इसको एक बार फुल स्क्रीन करता हूँ, लुक एट दिस, हाउ ब्यूटिफुल दिस लैंडस्केप, दिस इज कॉल्ड एज पेंटरली लुक एज वेल, इजंट इट अमेजिंग? आई होप आपको ग्रेजुएटेड फिल्टर टूल की नॉलेज हो गई होगी, और अभी भी आपका कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है इस टूल से रिलेटेड आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट, प्रेस द बेल आइकन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।